हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रनिंग विद मी सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एस पी टेट मेडिकल टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आज जो शाम का लाइव होने वाला था लाइव स्ट्रीम वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आ, क्योंकि मैंने पिछले कल भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी आपके लाइव स्ट्रीम के लिए तो बार बार जो है वो नेटवर्क का इशू हो रहा था जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम जो है डिस्कनेक्ट हो पा हो जा रहा था आ, तो वो आज लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगा तो इसीलिए आज के आपके पास जो पूरा दिन है आप जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग आपके साइकोलॉजी के तो आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं या फिर आप जो है वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दोनों का लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो शाम के टाइम जो भी आपका पैडागोजी काइंड ऑफ एक सीरीज आएगी तो उसमें मैं कोशिश करूँगी कि जो डाउट है आपके उन सभी को डिस्कस कर लूँ ठीक है और इसके साथ ही उसमें आपके लिए भी क्वेश्चन रहेंगे तो वो क्वेश्चन जो है वो आप जरूर अटैम्प्ट करना ज़रूर कोशिश करना कि अपने लेवल को चेक करना कि साइकोलॉजी के लेवल की आपकी कहाँ तक प्रिपरेशन्स है ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे पहली बार है वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड स्पेशली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को सक सकस इंटरकाय uh, जो है वो इज अ नेम गिवन टू तो वो है आपका इंटेस्टाइनल जूस को नेक्स्ट है द साइट ऑफ ग्लाइकोलिस इज तो वो है आपकी साइटोप्लाजम इन अ कॉकरोच एयर इंटर द बॉडी थ्रू तो वो है आपके स्पाइरिकल्स के थ्रू एंटर करती है द राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज बाय विद तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अकंपनेट विद ये है आपका सडन राइज इन इथाइलिन ठीक है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प इन लेग्सेशन ऑफ लैक्टिक एसिड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलापिगियन ट्री ऑर्गन इन तो वो है आपके काक्रोच में ठीक uh, uh, है लूप ऑफ हील्स इज फाउंड इन तो वो है आपके नेफ्रोन्स में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ एमोनिया इज जनरली वो होते क्टिक एनिमल्स ठीक है इंपॉर्टेंट मसल प्रोटीन दैट हेल्प इन मूवमेंट्स आर तो ये सारी ही जो आपकी जो है मसल प्रोटीन हेल्प करती हैं ठीक है थीके? उसके बाद है फ्रेश वॉटर बॉनी फिश मेंटेन देअर वाटर बैलेंस बाय तो वो है आपका एक्सक्रिएटिंग हाइपोटोनिक यूरिन ठीक है इफ अ पर्सन गेट प्रोटीन डेफिशेंसी डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही इज लाइकली टू है तो ये सब ही होगा उसको स्टर्न ग्रोथ भी होगा स्वेलिंग ऑफ फेस भी होगा डीकलरेशन ऑफ हेयर भी होगा ठीक है uh, तो ठीक है uh, following प्ले play रोल इन कन्वर्टिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू सॉलेबल फॉर्म तो वो है आपका राइजोवियम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं uh, वो है आपका <coughs> -microns are तो काइलो माइक्रोन्स जो है वो आपके होते हैं आ, ये होते हैं आपके प्रोटीन कोटेड फैट गोव्यूज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस तो वो आपकी ओ टू विच आर फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन तो वो है आपका साइटोकाइनिन ठीक है ग्लूकोज स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन इन तो वो होता है आपका लीवर के अंदर मेलन

सेग्रिगेशन ऑफ जीन्स ठीक है लार्ज हरबेरियम ऑफ वर्ल्ड इज लोकेटेड इन तो वो है आपका ठीक है ये आपका बोटैनिकलबेर है आपका रॉयल बोटैनिकल गार्डन रॉयल बोटैनिकल गार्डन है इसका क्यू इंग्लैंड में है ये ठीक है सेलुलर ऑर्गेनिज कंटेन हाइड्रोलिटिक एनजाइम इज तो वह है आपकी लाइसोजोम सेल वॉल ऑफ डाइटम इज मेडअप ऑफ तो वो सेलुलोज एंड सिलीका का प्योकार्टिक सेल डू नॉट प्रोसेस तो प्योकार्टिक सेल में जो है वो आपका न्यूक्लियस नहीं होता है सिगमोइड कॉलोन इज पेयर ऑफ सिग्मोड तो वो पार्ट है आपका लार्ज एंडस्टाइन का ठीक है नेक्स्ट है आपका कार्डी टेंडियम टेंडियन इन हार्ट आर फाउंड इन तो वो आपका होता है बेंट्रिकल्स में ठीक है नेक्स्ट है लेफ्ट लेफ्ट लंग ऑफ ह्यूमन इज तो वो होता है आपका टू लोप्ड ठीक है उसके बाद है पेस मेकर ऑफ हार्ट इज द ग्रेवियार्ड ऑफ आर्स तो वो आपका स्प्लीन ठीक है द पार्ट ऑफ फ्लोपियन टिप क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज तो वो आपका का ठीक है एडिस मॉस्क्यटो इज अ वैक्टर फॉर तो वो हैप डेंग्यू इफ सम रीजन द वर्स्ट इन्फ्लुएंशिया इन अ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैट ब्लॉक द गैमिट्स विल नॉट ट्रांसफर्ट फॉर्म तो वो है आपका टेस्टी टू एपिडेमिस ठीक है जंपिंग जीन्स वाई बारबरा मिल्क टॉक आर कॉल्ड तो वो है आपके ट्रांसफ आइडेंटिफाई द तो और दिच ऑफ वन ऑफ फॉलोइंग तो वो होगा आपका लिविया मिनोरा बाकी जो है वो आपके पार्ट है जो आपकी फलोपिन ट्यूब है बाकी इसके पार्ट है लेकिन ये जो है वो आपका आ, बेल्वा का पार्ट है द टर्म न्यूक्लियस वॉज कॉर्न बाय रॉबर्ट ब्राउन टेस्ट इज कंडक्ट टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन एच आई वील्स तो वो करता है आपका टी हेल्पर सेल को एन एसेंशियल फैटी एसिड इज तो आर्कोडोनिक एसिड ठीक है ह्यूमन इंसुलिन इज बींग कॉमनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ सेक्रोमाइसिस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरो पेट्रोफिली मीन्स तो वो चीरो पेट्रोफिली मीन्स होता है पॉलीनेशन बाई बैट ठीक है द एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो इज कॉल्ड प्लेसेंटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है सिंड्रेंस आर तो वो होते हैं आपके डिप्लॉयड ठीक है सिंड्रेंट्स जो होते हैं वो आपके सॉरी डिप्लॉयड नहीं हैप्लॉयड होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटेड आर ट्रांसफर्ड इन इंटू स्पर्मेटो जो बाई स्पर्मेटोजेनिस द एम्ब्रो इज एट सिक्सटीन कॉल दॉन एज द मोरूला इन द लीवस ऑफ सी फोर प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग सी ओ टू फिक्सेशन आकर इन द सेल ऑफ तो वो होता है आपका मीजोफील्स ठीक है स्ट्रेस हार्मोन इज एडनल एल्कोलिक फर्मेटेशन इज कैरिड आउट बाई सेक्रोमाइसिस द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द्यूमन स्कल इज ट्वेंटी नाइन इन द शॉर्ट डे प्लान प्लांट इज तो वो है आपका शॉर्ट डे प्लांट है एवीना ठीक है विटामिन इज असेंशियल फॉर द ब्लड क्रोटिंग इज विटामिन के नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हेल्प इन तो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में द दिस दिस इज एक्ट्स एज अ अयो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन जो है आपका लाइक ठीक है पोलीसेकर विद बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज तो वो है आपका uh, ये है आपका सेलुलोज

स्पेसिफिक नेम ऑफ जावा साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन इज होमोरैक्टिस बीरवल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी इज लोकेटेड एट इन द लखनऊ ठीक है नेक्स्ट केमिस्ट्री सेक्शन है द नेम ऑफ इंडिकेटर विच टर्न एसडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सोलूशन टू ग्रीन दैट इज चाइना रोज नो आज ऑफ नो आर डेज विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज द प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेल्टिंग रोड तो वो है आपका ब्यूटामिन ठीक है येसडिक एसिड रिलीज ड्यूरिंग द बाइट ऑफ आंट इज न्यूटिलाइज बाय रविंग विद कैलेमाइन विच कंटेन तो कैलेमाइन में जो आपका होता है जिंक कार्बोनेट एंड फेरिक ऑक्साइड ठीक है ये चीज भी याद रखनी है विच पॉलीमर इज थर्मोसेटिंग तो वो होता है आपका मेलेमाइन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंथेसिस फाइबर विच अपेयर टू रिजेंबल वूल इज तो वो है आपका एक्रेलिन ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल विच गैस इज रिलीज तो वो एसओ टू होती है ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग कंजुकेटेड बेस ऑफ एमोनिया इज एन एस टू ठीक है विच ऑफ हैज़ द हाइएस्ट कैल्सियम फेरिक वैल्यू तो वो होती है कुकिंग गैस जिसको कि एल पी जी कहते हैं आपका शेविंग क्रीम इज अ क्लोइडल इन विच गैस डिस्पोज इन लिक्विड वेन इथाइल एल्कोहल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड एस टू एस ओ फोर एट द फोर फोर थ्री कैलबिन द प्रोडक्ट वॉज फॉर्म कंटेन तो डाई इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा इथीन ठीक है ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड बाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू तो हील एक्सेट्रा आर सिम्टम ऑफ डेफिशियंसी ऑफ विटामिन तो वो आपकी डेफिशंसी हो गई विटामिन सी की वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस तो वो है सी सी टू एच सिक्स ठीक है टू ड्रॉप वन टू ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड टेन ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा आर मिक्सड इन अ टेस्ट ट्यूब वायलेट कलर अपेयर विच इज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ तो वो आपका इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन ठीक है नेम द बेस विच इज यूज एज अ विंडो क्लीनर ठीक है तो बेस का नाम बताना है जिसको कि हम लोग एज अ विंडो क्लीनर यूज करते हैं तो वो है आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड ठीक है एमोनियम हाइड्रोक्साइड नेम दयान विच ट्रिंक अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड वॉन्स बट डू नॉट मेल्ट एंड हैज दीट तो वो है आपकी सिल्क uh, ठीक है टू एनिमल इज मेड अप ऑफ तो फर्स्ट ही रहेगा इसका आंसर विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मोस्ट बेसिक तो वो आप mine, uh, possible, तो रहे आपका रहेगा डाई थाइल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन दैट आर नॉट पॉसिबल तो रहेगा आपका ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ठीक है नेम द अलकली विच इज रिस्पॉ विच इज लिक्विड एट अलक्ली मेटल विच इज बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर तो वो है आपकी सी एस ठीक है

कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर इज शुड बी वन पी पी एम ठीक है एंड आइसोटॉफ कल्टज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ठीक है विच ऑफ फॉलोइंग इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर तो ये ऑप्शन डी वैन द कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर द लॉन्ग टाइम अ ग्रीन कोटेड ऑप्टेन इज दिस इज ड्यू टू ऑप्शन डी रॉयल वाटर इज ऑल्सो नॉन एज विच गैस हैज यूज फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन एटीन टेन तो वो थी आपकी कोल गैस एसीमिटेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डन बाय हैड डू मास मैथड ठीक है आज की वीडियो मस्त इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को थैंक यू सो मच